हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, आप सभी को जय छठी मैया। आज मैं अपने गांव का छठ पूजा का दृश्य आप लोगों को दिखा रहा हूं। इस बार कोरोना के डर से भी और कुछ वैसे भी वजह से घर पे ही पूजा हुआ है। वैसे तालाब में होता था, जो मैं आप लोग को पहले वाले वीडियो में एक बार जिक्र कर रखा था, जो यहीं पर छठ पूजा होता है, तो वहाँ पे भी वैसे हो रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग घर पे ही कर रहे हैं। उसका भी दृश्य दिखाने का आप लोगों को कोशिश ज़रूर करेंगे और दिखाएंगे भी। फिलहाल आप लोग वीडियो देखते रहिए और छठी माँ का नाम लेके कमेंट कर दीजिएगा वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, इसमें क्या सुधार करना है नहीं करना है। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में और एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। सभी लोग पानी में खड़ा होके पूजा शुरू कर दिए हैं और जल में खड़ा होकर के रहना पड़ता है। ये शाम के टाइम का है, सूर्य भगवान जब अस्त होंगे गाँव के भाषा में, यानी कि वो जब डूब जाएंगे, रात्रि हो जाएगा, तो अस्त के समय उनको रख दिया जाएगा और शाम का पूजा उस टाइम ख़त्म होगा। मैं इससे पहले जो जिक्र कर रखा था जिस घाट पे, ये तालाब वही है और इसी तालाब पे सब पूरे गांव का छठ होता है। इस बार काफ़ी कम भीड़ है, देख रहे होंगे जगह जो है तो काफ़ी खाली है और ये सब जगह देख रहे हैं जहाँ पे खाली आपको दिख रहा है, जहाँ जहाँ वो बिल्कुल खाली नहीं रहता था और पूरा भरा रहता था, ये सब पूरा भरा रहता था, जगह बिल्कुल नहीं रहता था। लेकिन ये यहाँ पे इस बार काफ़ी कम लोग आए हैं, बहुत कम लोग, इतना सोच सकते हैं कि 10% भी लोग नहीं आए। अब सोच लीजिए 90% और इसमें भर दिया जाए तो कितना भीड़ होगा, इतनी भीड़ रहती थी, लेकिन लोग कुछ कोरोना के डर से नहीं आए यहाँ पे और सरकार का आदेश का पालन कर रहे हैं। भले ही सरकार अपने आदेश का पालन करे या ना करे, लेकिन जनता तो कर रही है। और जब तालाब में होता था छठ हम लोग का, तो इसी जगह पे होता था, ये जो सीढ़ी घाट आप ये देख रहे हैं यहीं पे होता था हम लोग का छठ। लेकिन वैसे मन थोड़ा सा तो छोटा ज़रूर है, क्योंकि यहाँ की बात ही कुछ और है, यहाँ की बात ही निराली है। यहाँ पे क्या होता है, सब एक साथ करते हैं छठ, सब इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, क्योंकि हो सकता है जो अपने अपने घर पर सभी अगर पूजा करेंगे तो सब अपने घर पर व्यस्त रहेंगे, तो एक दूसरे से मिलना भी पॉसिबल नहीं है और बाद में लोगों के पास उतना टाइम नहीं रह पाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कम से कम सुबह शाम सुबह 3 घंटा शाम 3 घंटा जो लोग यहाँ पे रहते हैं, तो 5-6 घंटा आपस में सभी लोग मिलते जुलते रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और यही देख रहे हैं यहाँ भी काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। अब देख सकते हैं शाम का जो है वो भगवान का शाम का पूजन हो चुका है और ये फिर सुबह में भी होगा ऐसा, तो उसका भी आप लोगों को नज़ारा दिखाएंगे। और अभी हो गया है लगभग क्या, अभी हो गया है और शाम को आप लोगों को दिखाएंगे, शाम का यानी कि सुबह का, शाम का नहीं सुबह का दिखाएंगे आप लोगों को, जो
इसको भोड़का रख गांव की भाषा में बोलते हैं। दोस्तों पूजा हो चुका है खत्म और मैं वीडियो पे यहीं पे एंड करूँगा। थोड़ी देर और है वो आप लोग देख लीजिएगा और वीडियो पे यहीं पे मैं एंड करूँगा। आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और जो मेरे YouTube चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कॉमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। देखते रहिए और लाइक करते रहिए। सकते हैं सब डाला लेके आ रहे हैं, प्रसाद जो होता है जो चढ़ गया है वो, सभी लोग तालाब से आ रहे हैं। ये हम लोग के दादाजी लगते हैं, घर के पास से इनका घर है, मेरे घर के पड़ोसी ही हैं और देख सकते हैं जैसे कि और ये चाचा लगते हैं, ये भी बाहर से प्रदेश से आए हुए हैं, पूजा वूजा करते हैं यहाँ पे। और सुबह का भी आप लोगों को दृश्य दिखाएंगे, सुबह में जो होता है वो दृश्य भी दिखाएंगे। यूट्यूब खोलबे तो इसमें दिखाई देते हैं। ये सभी लोग वापस अभी आए हैं पूजा करके और ये फिर सुबह के टाइम में यहाँ से 3:30 बजे निकलेंगे सुबह सुबह और उसके बाद जो है सो फिर पूजा होगा तो सुबह का जो है अर्घ भगवान को दिया जाएगा और सूर्य भगवान जब निकलेंगे तो उनको देख के प्रणाम करके प्रसाद चढ़ाया जाएगा। उसके बाद सभी लोग फिर घर पर वापस आएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को मैं वीडियो दिखाया अभी का और पूरा वीडियो देखते रहिएगा और सुबह का जो होता है पूजा वो भी दिखाएंगे आप लोग और बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है, पूरा वीडियो देखते रहिए और जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए। तो वीडियो देखते रहिए और हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग आप सभी को। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मैं बताया था सुबह का अर्घ जो है तो भगवान सूर्य को दिया जाता है और सुबह का जो पूजा होता है वो भी आप लोगों को दिखा रहे हैं और देखते रहिए और मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, एंजॉय कीजिएगा और भगवान का दर्शन कीजिएगा। किस तरीके से बिहार में छठ पूजा होता है उसका विषय से आप लोग देखेंगे। ये जो देख रहे हैं ये दंड दिया जाता है, जिसकी भी मनोकामना होती है वो भगवान से मांगते हैं, पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद ऐसा करते हैं अपने घर से लेकर के और वो घाट यहाँ पे पूजा होता है जहाँ पे ये खड़े होंगे जिस नदी या जिस जगह पे वहाँ तक ये ऐसे ही करते जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग किलोमीटर ऐसे करके जाते हैं तो ये बड़ा कठिन होता है क्योंकि बिना खाए पिए आपको ऐसा करना होता है, कठिन पूजा है। ये जो देख रहे हैं ये फिर वही जगह है नदी जहाँ पे छठ होता है जिसके बारे में मैं जिक्र कर चुका हूँ। ये रात का समय है, सुबह के 4 बज रहे हैं
और ये 4 बजे का समय है और देख सकते हैं कितना खूबसूरत लगता है। और ये जब लगभग सभी लोग जब करते थे पूरा चारों साइड से तो इतना और भी अच्छा लगता था, चारों साइड दीप ही दीप इतना खूबसूरत देखने में लगता था जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं बगैर उस जगह पे उपस्थित हुए। देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों मेरा आवाज़ ख़राब है, थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया है तो इसको माइंड मत कीजिएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं और बिहार में छठ किस प्रकार से मनाया जाता है, इस साल तो लगभग अपने अपने घर पे ही लोगों ने किया है कोरोना के डर से, जैसे कि आदेश था सरकार का, कुछ लोगों ने पालन किया है, कुछ लोगों ने नहीं पालन किया है। और मैं लोगों का गुस्सा भी कुछ हद तक मैं जायज समझता हूँ, क्योंकि लोगों का कहना है जो रैली के लिए कोरोना नहीं है, कुछ उनका भी कहना सही है, पालन सही है। और बच्चे लोग सभी इंजॉय करते हुए और मैं सभी दृश्य दिखाऊंगा अपने घाट के साथ साथ 2-3 घाट का और दिखाऊंगा आप लोगों के साथ। ये मेरा घर है, मैं अपने घर पे ही जाऊँ, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग खड़े हैं अभी, और भी पर्व जो करने वाले महिलाएं हैं वो अभी आई नहीं हैं, वो और अभी आ ही रहे हैं। मेरा घर है, पिछले वीडियो में दीपावली के वीडियो में दिखा चुका हूँ, यहीं पे इस साल छठ हो रहा है। देख रहे हैं बिल्कुल सुबह हो चुका है और अभी तक सूर्य देवता का आगमन नहीं हुआ है, बादल में छिपे हुए हैं। और ऐसा होता है जब तक उनका दर्शन नहीं किया जाए तब तक ये लोग निकलेंगे, क्योंकि उनका ही दर्शन पाके उसके बाद जैसे सूप देखते हैं आप, दौरा देखते हैं जिसे डाला बोला जाता है, सब उनको दिखा कर उनका पूजा कर करके तब निकला जाएगा उससे। ऊपर जो लोग रहते हैं उनको तो उतनी परेशानी नहीं है, लेकिन ये बहुत ही पूजा जो है इसमें कष्ट होता है जो पूजा करते हैं। बगैर कष्ट का तो कोई पूजा नहीं है, लेकिन इसमें उतना ही मन लगता है व्रतियों को और उतना ही मेहनत भी लगता है। देख रहे हैं इस ठंडा में, ठंड के मौसम में सभी लोग लगभग 1-1.5 घंटा इसमें रहते हैं, जल सोच सकते हैं कितना फर्क पड़ता होगा। और हम लोग इस बार घर पे ही किए हैं, घर का दृश्य है और अगल बगल के 10-15 लोग जो हैं सभी साथ मिल के किए हैं, बस घर के आसपास के लोग। लोग को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा दोस्तों, जो कमी होगा उसके बारे में बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। सूर्य उदय नहीं होगा, जैसे ही सूर्य उदय होगा उनको देख करके
करके अर्घ लिया जाएगा, प्रार्थना किया जाएगा अपने लिए और समाज कल्याण के लिए। वैसे जैसे होता है कि आप दिखा रहे हैं, तो वहीं से, लेकिन अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। सभी लोग भगवान का सूर्य उदय का जो है सो इंतजार करते हुए लेकिन अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। टाइम वैसे 6:40 हो चुका है, लेकिन अभी तक ऐसा है कि जब तक देखेंगे नहीं तब तक सूर्य को देख के ही किया जाता है। जब तक सूर्य भगवान दिखाई नहीं देंगे तब तक तो होगा नहीं। देख सकते हैं सूर्य भगवान निकल चुके हैं, अब अर्घ दिया जाएगा। सूर्य को देख के सब अब जो है सब नाम करना सब लुटकी वाला दूध कहाँ दे ली रहा हवा है के हवा है वो अपने हो जिनके पास गाय है वो अपना गाय का दूध का अर्घ देते हैं। ये जो देख रहे हैं उसके घर में बच्चे हैं, वो सभी अपना बच्चे हैं या बड़े सूख हुआ या कुछ हुआ वो उठा करके देते हैं जो भी बर्फ करते हैं। किस तरीके से छठ पूजा होता है, किस तरीके से किया जाता है तो Bluetooth connected.